वैभव ग्लोबल के बारे में बात कर लेते हैं। वैभव ग्लोबल के आज क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं, फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जो रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे आए हैं, उस काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। बट फाइनेंशियल ईयर 21 के क्वार्टर 3 के कंपैरिजन में थोड़ा सा नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 3 में जो अभी नेट प्रॉफिट हुआ है 70 करोड़ के आसपास कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 21 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था क्वार्टर 3 में वो 92 करोड़ के आसपास था, यानी कि 92, और अभी हुआ है 70 करोड़ के आसपास, यानी कि ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही कम हुआ है, जिसमें भी शेयर में काफी ज्यादा इंपैक्ट हमने इस चीज का देख लिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा डिक्रीज हमें देखने को मिला है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 1, 2, 3 की अगर बात करते हैं तो क्वार्टर 1 में 99 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद क्वार्टर 2 में 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, क्वार्टर 3 में 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। इस तरह से टोटल 211 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी को हो गया है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 21 में बात करते हैं क्वार्टर 1 की तो 53 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, क्वार्टर 2 में 71 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट और क्वार्टर 3 में 92 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट। इस तरह से 216 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम क्वार्टर 1, 2, 3 की बात करते हैं तो 216 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21 में। वहीं 22 में अगर बात करते हैं तो 22 में 211 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर 1, 2, 3 में। इस तरह से ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिला है, 5 करोड़ रुपए का ही थोड़ा सा प्रॉफिट, 5 करोड़ रुपए ही कम हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 में। अभी अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा ज्यादा हमें डिक्रीज देखने को मिला है, प्रॉफिट थोड़ा सा कम हमें देखने को मिला है। वहीं अगर हम बात करते हैं डिविडेंड की तो भी कंपनी ने डिविडेंड देने की घोषणा करी है। क्वार्टर 3 में भी 1.5 रुपए का डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से निवेशकों को दिया जाएगा। वहीं अगर क्वार्टर 1, 2, 3 की बात करते हैं तो 1, 2 क्वार्टर में भी इन्होंने 1.5 रुपए का ही डिविडेंड दिया था। इस तरह से तीनों क्वार्टर्स में इन्होंने डिविडेंड की घोषणा करी और डिविडेंड दिया। इस तरह से अभी तक 3 क्वार्टर में 4.5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड वैभव ग्लोबल दे चुका है। हमने इस पे डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको हमें पोर्टफोलियो स्टॉक में रखना चाहिए, हम इसे पोर्टफोलियो में रखने की सलाह देते हैं और इसमें हर गिरावट में खरीदारी करने की सलाह भी देते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा अपने 52 वीक्स हाई से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो के पास में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो है अरविंदो फार्मा का 590 रुपए के आसपास, 52 वीक्स हाई है 1064 रुपए। वहीं करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 629 रुपए के आसपास, यानी कि बिल्कुल पास में ही ट्रेड कर रहा है 52 वीक्स के। तो इसमें भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं, काफी अच्छा प्रॉफिट आपको फ्यूचर में इसमें देखने को मिलेगा। एचडीएफसी एएमसी के बारे में अगर हम बात करते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में एचडीएफसी, तो ये भी अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक लो है 2118 रुपए के आसपास, करंट मार्केट प्राइस 2200 रुपए के आसपास पे अभी चल रहा है ये। एंड 52 वीक हाई की बात करते हैं तो वो था 3365 रुपए के आसपास, काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। आप इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं, इन दोनों शेयर्स में हमें आपको खरीदारी करने की सलाह देते हैं और वैभव ग्लोबल को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, बहुत अच्छी कंपनी, हर गिरावट में इसमें खरीदारी की जाए। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन हिट कर दें क्योंकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।